हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 6 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डील करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग दिया है, उसके अंडर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट कंडीशन वुड पंचनामाज बी कंसिडर्ड इन एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसके अंदर जो पंचनामाज है उसको जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसको एडमिट नहीं करेगी। ठीक है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने से पहले पंचनामाज को समझेंगे कि पंचनामा बेसिकली क्या है। ठीक है, तो पंचनामा अगर हम समझने की कोशिश करें कि पंचनामा क्या होता है, तो पंचनामा बेसिकली एक रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेटरी बाय ऑब्जर्वेशन बाय 5 पीपल है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से समझें कि ये जो वर्ड है पंचनामा, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आपको पता है कि पहले जो गांव होते थे वहां पे जो भी फैसला होता था वो पंच सुनाते थे। ठीक है, तो ये वहीं से रिलेटेड आया है पंच वर्ड जो जुडिशियरी सिस्टम में है। तो बेसिकली अभी के डेट में इसका कैसा यूज होता है कि मान लीजिए किसी भी जगह पे कोई क्राइम हुई, ये क्राइम सीन है हमारा, ठीक है, और क्राइम सीन पे अगर कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जाती है वो एक रिकॉर्ड तैयार करती है और उसी रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम पंचनामा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पंचनामा का पूरा डिटेल। अच्छा, ये पंचनामा जो है वो कहाँ पे मेंशन्ड है, अगर हम देखें कि जो मतलब अगर तो जो सीआरपीसी है उसमें अगर हम देखें तो इसका जो सेक्शन 100 है उसके चैप्टर 8 में पंचनामा वर्ड जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको ये जरूरी है कि वो एक पंचनामा प्रिपेयर करे। ठीक है, कि उसने क्या क्राइम सीन पे देखा, या क्राइम सीन से रिलेटेड अगर कुछ और जगह है जो एसोसिएटेड है तो उस पे उसने क्या क्या देखा, उसी से रिलेटेड चीजों को पंचनामा बोलते हैं। तो जब ये मैंडेटरी है तो किस कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें ये जो पंचनामा है वो कोर्ट एडमिट नहीं करेगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि जब भी जो पंचनामा है वो वॉयलेट करेगा सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, तो ये पंचनामा कोर्ट के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझेंगे कि ये जो 162 सीआरपीसी क्या होता है। तो बेसिकली अगर कुछ गवाह जो है वो पुलिस जुटाती है, उसको पुलिस स्टेशन में रखती है, उसका जो जो भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको अगर वो रिकॉर्ड करती है, ठीक है, तो उस रिकॉर्ड के बिहाफ पे अगर वो पंचनामा प्रिपेयर करती है किसी भी जो गवाह है उसको जबरदस्ती करा के या किसी भी तरीके से, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो पंचनामा में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम पहले क्वेश्चन के साथ हम सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट रीसेंट अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व रिगार्डिंग द स्वैम्प डियर पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी कोई नेशनल पार्क या कोई भी ऐसा एनिमल जो न्यूज में होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पहले तो मानस नेशनल पार्क है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और दूसरा स्वैम्प डियर है वो बहुत जरूरी है। तो हम पहले समझेंगे कि ये जो मानस नेशनल पार्क है वो क्या है, कहाँ पे है, इसका लोकेशन हम देखने की कोशिश करेंगे, और हम फिर डियर के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम मानस नेशनल पार्क को देखें, तो अगर आप देखें तो ये जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, बिल्कुल ये हमारा पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेट होता है जिसको बोलते हैं असम। ठीक है, तो इस असम में ही हमारा मानस नेशनल पार्क प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो हमारा स्वैम्प डियर होता है ये कुछ और नहीं होता है बल्कि इंडिया में जो इसका नाम है उसको हम लोग बोलते हैं बारासिंगा। ठीक है, ये एक डियर का स्पीसीज है जिसको यहाँ बारासिंगा बोला जाता है, और ये इंडिया एंड नेपाल में फाउंड किया जाता है। बेसिकली ये जो वेटलैंड प्लांट्स होते हैं और हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं इस पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो डियर होता है वो जो हमारा फूड चेन होता है, एक जो फूड पिरामिड होता है उसके लिए जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है इसका, वहां पे डियर ही होता है। तो जितने भी ऊपर कार्निवोरस हैं या जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए जो डियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड के रिस्पेक्ट में या फूड चेन को चलने के रिस्पेक्ट में।
ठीक है, तो इसमें अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी जो मानस नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व आप बोल सकते हैं, उसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ये बारहसिंगा से रिलेटेड? तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि करेंटली जो इसका पॉपुलेशन है, जो पहले घट रहा था वो अब बढ़ रहा है। मतलब 2021 में 121 बारहसिंगा मौजूद थे मानस नेशनल पार्क में, और अभी 2023 में ये बढ़ के 174 हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा कि जो बारहसिंगा या जो स्वैम्प डियर है उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है मानस नेशनल पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीसेंट इनिशिएटिव। ओके, क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाट इज द रीसेंट इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में हम ICRI भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रीसेंट इनिशिएटिव है जो ICRI ने अभी अनाउंस किया है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा कोरल रीफ समझेंगे, ICRI समझेंगे, एंड देन हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, तो जो कोरल रीफ होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होते हैं, आइए हम इस बात को समझते हैं। तो कोरल रीफ जो होते हैं, एक छोटा सा एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिप्स। ठीक है, ये पॉलिप्स होता है, और इसी पॉलिप्स जब बिल्कुल ग्रुप्स में इस तरीके से करके बन जाते हैं बहुत सारे सी के अंदर, तो इसी को हम बोलते हैं कोरल। ठीक है, अब ये जो कोरल हमारा स्ट्रक्चर होता है ये अकेले नहीं रहता है, ये इस तरीके से कोरल बनता है, और इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो ऐसे गोल 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 करके ये एल्गी के साथ साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, ये एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है एल्गी के साथ। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों बनाता है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसलिए बनाता है ताकि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और खाना प्रोवाइड करता है कोरल को, जिससे कोरल जिंदा रहते हैं। अच्छा, क्या हो अगर जो यहाँ पे सी है, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, या फिर हम पॉल्यूट कर दें अपने सी को, अगर हम इसमें से कोई भी ये दोनों में से चीज करते हैं, तो ये जो एल्गी होते हैं ये डाई करने लगते हैं, ये कोरल को छोड़ने लगते हैं, ये इनका जो ग्रीन पार्ट है वो खत्म होने लगता है। तो अल्टीमेटली अगर एल्गी मरे, ठीक है, जो इसके साथ कनेक्टेड है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो आप जान सकते हैं कि कोरल भी डेड होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो कोरल है ये मरीन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज अ लाइवलीहुड या ऐसा रहने का जगह है बहुत सारे, ये के लिए बहुत सारे एनिमल्स फूड पे डिपेंडेंट हैं इन कोरल्स के वजह से। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर पूछा जाए कि सबसे जो लंबा या सबसे बड़ा कोरल्स कहाँ पाया जाता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पास यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ये वर्ल्ड में सबसे लंबा या सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं कि कोरल यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारा कोरल से रिलेटेड स्टोरी। ठीक है, कि कोरल क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो आपको पता है कि अभी कोरल टेम्परेचर तो हर सी का बढ़ता ही जा रहा है, पॉल्यूशन तो हम सी में बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो इसको लेके जो कोरल डेड हो रहे हैं ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसका नाम दिया गया इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, जो 1994 में शुरू हुआ था, और जो सबसे ज्यादा कोरल जहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स इसके सदस्य थे। टोटल 45 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया है ICRI को, इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा था कि अभी इन्होंने रिसेंट क्या इनिशिएटिव लिया है या क्या इनिशिएटिव अनाउंस किया है रिलेटेड टू कोरल। तो इसमें ये होगी कि ये फंडिंग रेज करने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली फंडिंग या इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं, दोनों पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी, और प्राइवेट सेक्टर को भी बोल रहे हैं कि आप आगे आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि जो ये कोरल का इकोसिस्टम है इसको बचाया जा सके, और अगर कुछ ये हुआ है तो उसको रीस्टोर किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये है कोरल, ये पूरा है कोरल, और ये जो ग्रीन देख रहे हैं आप लाइट ग्रीन पार्ट, ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स पार्टिसिपेटेड इन अ 2 डे मिनिस्ट्रेलियर कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 2 डे का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में रिलेटेड टू ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड, जो एक बॉडी है यूएन टॉक की,
उसकी एक मीटिंग थी जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। पूछा जा रहा है कि ये मीटिंग कहाँ टेक प्लेस हुई। ठीक है, अच्छा, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये यूएन टॉक क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक ट्रिटी है, मल्टीनेशनल ट्रिटी है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं ट्रांसनेशनल बाउंड्री, मतलब एक कंट्री में घुस के कोई क्राइम करता है फिर दूसरे कंट्री में भाग जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही ये ट्रिटी साइन हुई थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 2000 में। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना कि इसको हम पालरमो कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, पालरमो कन्वेंशन, और इसमें बेसिकली 147 सिग्नेटरीज थे उस टाइम पे और 190 पार्टीज थे टू द कन्वेंशन यूएन टॉक के। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इसके जो प्रोटोकॉल है वो इंक्लूड करते हैं टू प्रिवेंट सप्रेस एंड पनिश करने के लिए जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन हो रहा है, स्पेशली जो वुमेन एंड चिल्ड्रेन हो रहा है कि एक नेशन से दूसरे नेशन काम कराने के लिए या दूसरे चीजों के लिए इनको ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए। मोर ओवर, इसके प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड था स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ लैंड सी एंड एयर ऑल्सो, और जो इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है फायर आर्म्स का या पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड एम्यूनेशंस का, जो हथियार हो रहे हैं ट्रांसनेशनल ट्रांसफर, उससे रिलेटेड ही ये कॉन्वेंशन है। इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन किया था दिसंबर 12, 2002 को, और अगर नोडल एजेंसी इंडिया में पूछी जाए कि यूएन टॉक की क्या है, तो वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे हम वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, ठीक है, या कॉन्फ्रेंस जो है जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो है, ठीक है, उन्होंने पार्ट लिया था, तो वो कहाँ हुआ? तो ये जो पर्टिकुलरली मीटिंग थी ये पालरेमो इटली में टेक प्लेस हुई। ठीक है, और इसमें जो हमारे स्टेट होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हाट रीसेंट रिकॉग्निशन डिड बाशोली पाशिमा, अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, रिसीव। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा है कि अभी रिसेंटली जो ये बाशोली पाशिमा है, जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड एक क्राफ्ट है, उसको क्या मिला है? ठीक, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ये हमारा बाशोली पाशिमा है क्या। तो बेसिकली जो बाशोली पाशिमा है वो एक तरह का शॉल है। ठीक है, क्या है वो? एक तरह का शॉल है जो कि बोथ मेन एंड वुमेन के लिए मफलर्स बनाने, ब्लैंकेट्स बनाने या मास्केट बास्केट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है इस पाशिमा को। ठीक है, अच्छा, ये किस चीज से बनाया जाता है? तो बेसिकली ये जो कश्मीरी बोलते हैं एनिमल हेयर फाइबर, उससे इसको बनाया जाता है। कौन से बेसिक एनिमल, ऐसा कौन सा होता है? तो जो माउंटेन गोट्स होते हैं जिसको कैप्रा हाइरस बोलते हैं, जो कि बेसिकली तिब्बत में या लद्दाख, पार्ट्स ऑफ लद्दाख में फाइंड होता है, इसके गोट के हेयर से इस पाशिमा शॉल को बनाया जाता है। ठीक, अभी क्वेश्चन पे वापस जाते हैं कि किस लिए ये न्यूज में रहा या इसको ऐसा क्या मिला जो ये न्यूज में रहा। तो बेसिकली अभी इसको क्या मिला है, तो जीआई टैग इसको दिया गया। ठीक, इसलिए ये न्यूज में रहा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड बांग्लादेश कॉमेंस द 11th। देखिए, ये जो एडिशन होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। पूछ रहा है इंडिया एंड बांग्लादेश का जो 11th एडिशन है एक्सरसाइज संप्रीति का, वो कहाँ टेक प्लेस हुआ? ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो टेक प्लेस हुआ है। पूछा जा रहा है आपसे जगह का नाम, तो ये बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, कि ये जो है ये मेघालय में टेक प्लेस हुआ। बस आपको इतना याद रखना है कि इसका कौन सा एडिशन था, तो एडिशन इसका 11th था और ये टेक्स प्लेस हुआ जोरहत असम में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि वेयर हैव मोर देन 100 पैलियोलिथिक केव पेंटिंग। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कि पैलियोलिथिक क्या होता है? ये आपको पता है पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक मेनली स्टोन एज की बात कर रहा है, जबकि जो भी चीजें थी, जो ह्यूमंस थे, वो मेटल्स नहीं जानते थे। ठीक है, मेटल्स का उनको कुछ नहीं पता था, नॉन मेटल्स का भी कुछ, बस वो जो भी वर्क था वो स्टोन्स पे करते थे जितनी भी चीजें। तो उसी से रिलेटेड ये पूछ रहा है कि 100 पैलियोलिथिक केव पेंटिंग फाइंड हुआ है और कहाँ इसको रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है जैसे कि इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ फाइंड हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स, वो है
कोवा डोन साइट ऑन द ईस्टर्न आइबेरियन कोस्ट इन स्पेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्पेन आ गया, इसका जो आइबेरियन कोस्ट आ गया, और ये जो खुद इसका साइट का नेम आ गया कोवा डोन साइट। ठीक है, ये यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर जो प्लेसेस न्यूज में होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टोन एज के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि बेसिकली जो पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, वो लगभग यहाँ से 2.6 मिलियन ईयर अगो की बात की जा रही है, जो हमारा ये पैलियोलिथिक एज था। ठीक है, और इस जो पैलियोलिथिक एज था, इसका जो पहली बार जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, उस साइन अगर उन आर्कियोलॉजिस्ट का हम नाम जाने तो वो नाम था जॉन लुबॉक, ने इसको पहली बार 1865 में कॉइन किया था। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टॉप क्वेश्चंस जो थे वो हमने आपके साथ कवर किए। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें।